नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। सोशल मीडिया पर कौंधियारा क्षेत्र के एक क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक फिल्म का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज करछना तहसील क्षेत्र के सेहरा बाजार में एक क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक का वीडियो क्षेत्रों में वायरल हुआ है, जो कि कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेहरा चौराहे पर क्लिनिक खोल रखा है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वह क्लिनिक पर आई हुई लड़कियों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था और उसका वीडियो भी बना लेता था। इसी प्रकार क्षेत्र की कई लड़कियों ने को अपने जाल में फंसा रखा था। जब लड़कियां इसका विरोध करती तो उन्हें धमकियां देता कि मैं तुम्हारा इस तरह का वीडियो फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। लड़कियां डर में बस आए दिन उनके पास जाती रहती थी। क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब एक शरीफ लड़की को फंसाना चाहा। लड़की ने अपने परिवारजनों को क्लिनिक संचालक की काली करतूतों के बारे में बताया तो परिजनों ने क्लिनिक संचालक के पास जाकर उससे कहा कि हम तुम्हारी बेटी को क्या कह रहे हैं। तब दोनों में मोबाइल फोन छीनने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में मारपीट हुई। उसी वक्त उसका मोबाइल छीनकर उसमें रिकॉर्ड किए गए इस तरह के वीडियो देखकर सभी लोग दंग रह गए। जब डॉक्टर ने मौका देकर मोबाइल को छीन लिया, उसके बाद मोबाइल फोन को काली सड़क पर पटक कर तोड़फोड़ और चकनाचूर किया, लेकिन डॉक्टर यह भूल गया कि उसमें भी चिप है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा वह चिप मिल गई जिसमें से आपत्तिजनक फिल्म का वीडियो बनाया गया था। वह एक दूसरे को दिखाते और सभी के पास वायरल हो गया, जिसमें वह इस तरह का सीन था। उसे गांव में शोर शराबा मच गया और डॉक्टरों के परिजनों से अपनी आपबीती सुनाया गया तो डॉक्टर के परिजन भी दंग रह गए। डॉक्टर तब से घर से फरार है और उस लड़की का डॉक्टर के घर दो बार जा चुकी है और दो बार से डॉक्टर से नहीं मिल पाई है। लड़की के परिवार वाले अब डॉक्टर के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं कराए हैं। अभी तक क्या मंशा है जो कि इस तरह का वीडियो डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराया नहीं कराया गया है। डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक बंद करके वह फरार है। इस घटना का क्षेत्रीय लोगों में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कौंधियारा क्षेत्र के इस तरह का शिकायत और सूचना दर्ज नहीं कराया गया है। अब देखना यह है कि इस तरह का वीडियो फिल्म की घटना दब जाती है या इसका पर्दाफाश होकर दोनों यानी क्लिनिक संचालक और उस क्षेत्रीय लड़की को भी गलत काम करने का नतीजा भुगतना होता है या नहीं। अभी कौंधियारा थाना प्रभारी मौन है, उनके पास भी इस तरह का आपत्तिजनक फिल्म का वीडियो और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही प्राप्त होती है इस तरह का वीडियो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए सुनील कुमार की खास रिपोर्ट प्रयागराज से।